हाँ जी किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इकबाल खान फार्म पर। किसान भाइयों आज पहुंचे हैं रामपुरा मंडी में, जो कि आपको मालूम है कि महीने की एक तारीख को ये मंडी लगती है। महीने में एक बार ही ये मंडी लगती है रामपुरा, जो कि बठिंडा के पास है। इस मंडी में आपको टॉप क्वालिटी की मुर्रा भैंस मिलेगी, दूध वाली। किसी भी भाई ने अगर मुर्रा भैंस खरीदनी हो तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नंबर है उस पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो जानकारी ले सकते हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भाई सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई। नाम दसो भी जी अपना। हरप्रीत नाम रे। कहाँ से हो जी आप? पिंड अकलिया, जिला मानसा। जिला मानसा। रामपुरा मंडी में कितनी भैंस लेकर आए हो आज? दो भैंस। कोई सेल हुई? नहीं। दाम लगा रहे हैं? हाँ। ग्राहक कैसा मंडी में आज? बहुत है। बहुत ग्राहक है ना, माल भी बहुत आया है ना मंडी में आज तो। अपनी पहली भैंस की डिटेल बताओ जी, कौन से ब्यांत में बेई हुई है जी? ये तीसरे ब्याह में। तीसरे ब्याह बेई हुई है। कितने दिन हो गए बेई को? इसको 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। दूध कितना तैयार है अभी इसके नीचे? 13 लीटर दूध तैयार है। बिल्कुल सही थंडा तैयार है। रेट क्या कर रहे हो उसका जी? 1,10,000। 1,10,000। कितना दाम मंडी में लग गया अभी आपको इसका? इसका हाँ जी, इसका 70, 75, 80 लग रहा है दाम। कितने में? 85 में छोड़ दोगे ग्राहक आ जाए? 90 में छोड़ोगे? चला के दिखा दो जी। ये देखिए दोस्तों, 13 लीटर दूध भाई साहब बोल रहे हैं कि नीचे अभी इसके बिल्कुल तैयार है और 90,000 रुपये में आपको ये मुर्रा भैंस मिल जाएगी पशु मंडी रामपुरा में। अडर क्वालिटी आपके सामने है, बॉडी स्ट्रक्चर की भी बहुत अच्छी है। ये अपनी भैंस ये भी बेई हुई है ना? हाँ। ये कौन से ब्यांत में बेई हुई है? ये दूसरा। दूसरा ब्यांत बेई। ये बच्चा है इसका ना? हाँ। बुरा बच्चा है ना? कौन से ब्यांत में? दूसरे में। हाँ। कितने दिन हो गए इसको बेई को? इसको 15 दिन। 15 दिन हो गए। और दूध कितना है इसके नीचे? इसके नीचे 12 लीटर। 12 लीटर है। और बढ़ सकती है दूध? हाँ हाँ। कितना कर जाएगी ये? 14-15 से प्लस जाती है। जाएगी ना, क्योंकि अंडर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। इसका रेट? इसका 1,30,000। 1,30,000। और इसका कितना दाम लग रहा है मंडी में? अभी लगा नहीं। इसका कोई लगा नहीं है। चलो बिक्री हो जाए आपकी अच्छी बात है। मौके पे ग्राहक आ जाए तो कितने में छोड़ दोगे ये? इससे 1,00,000 से ऊपर। लाख के ऊपर छोड़ोगे ना? इसको भी चला दो। दूसरे ब्यांत में दोस्तों गई हुई है। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि दूध ये 15-16 लीटर तक दूध निकाल देगी। 15 लीटर आप दूध मान लो कि ये भैंस झूठी दूध निकाल देगी और 1,00,000 रुपए तक को आपको ये पशु मंडी रामपुरा में मिल जाएगी। बहुत ही शानदार मुर्रा कटड़ी है। हाल है पंडित जी? बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने है, काफ़ी बड़ी बॉडी भी की है। वेट अंडर क्वालिटी भी आपके सामने है। भाई सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नाम दसो जी आप। नाम भुपिंदर सिंह जी। कौन सा पिंड है जी आपका? पिंड पक्खों के है जी। जिला? बरनाला जी। जिला बरनाला। मोगा रोड पे। मोगा रोड पे। गाय लेकर आए हो कि भैंस भी लेकर आए हो? मज्जा भी लेके आए। गाय एक लेकर आए हो? हाँ जी। भैंस कितनी लेकर आए हो? पहले सुबह बैठा एक मज लेके आए। एक मज लेके आए। गाय पहले सुबह बही है जी? पहले सुबह। कितने दिन हो गए इसको बही को? इन्हू हफ्ता होया जी। एक हफ्ता हो गया जी। बछड़ा है कि बछड़ी? नहीं, बछड़ी है जी। कितना दूध दे रही है अभी? दूध अभी 17-18 लीटर है। और बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी, 21-22 लीटर दे देगी। दे देगी पहले भी तुम्हें? पहले भी। रेट? रेट जी 70,000 रुपया। कुछ दाम लग रहा है मंडी में अभी आपको? अभी तो आए हैं थोड़ा। अच्छा अभी आए हो। चलो ग्राहक आ जाए तो कितने में छोड़ दोगे लास्ट? छोड़ देंगे जी 60 की। 60 की? चला के। करेगा
भाई साहब अपनी भैंस की डिटेल भी बता दो, जो मीणी भैंस है कौन से ब्यांत में बेई हुई है जी? तीसरे सूबे ब्यांत में बेई हुई है। कितने दिन हो गए इसको बेई को? इनू जी 7 दिन हो गया जी। 7 दिन हो गए। और दूध कितना है इसके नीचे? दूध इसके नीचे 13 लीटर है जी। अभी 13 लीटर अभी मौके पे जो तैयार है, तैयार है। और बढ़ जाएगी, कितना दूध दे देगी? बस 13-14 लीटर दे देगी। 14 लीटर दे देगी। पीछे क्या है, कटड़ा के कटड़ी इसके? कटड़ा जी इसके पीछे। रेट इसका जी? इसका रेट 1.5 है। 1,05,000। कितने में छोड़ दोगे लास्ट इसका? 90 की छोड़ देंगे। 90 की चला दो। बंद फिर भाई। सत श्रीकाल जी। नाम दसो वीर जी अपना। जगदेव सिंह। कौन सा पिंड है जी? रामगढ़ जी। रामगढ़ जिला कौन सा पड़ जाता है? संगरूर। संगरूर। आज कितनी भैंस लेकर आए हो रामपुरा मंडी में? आज 5 जी। कोई सेल हुई अभी? नहीं है जी, कोई नहीं हुई। ग्राहक कैसा मंडी में आज जी? ठीक है जी, तोड़ता फिरतेगा। अभी सुबह का टाइम है ना? हाँ जी। चलो जी, अच्छी बात है, ग्राहक और अभी आ जाएगा मंडी में। अपनी भैंस की पहली की डिटेल बता दो, जो कौन से ब्यांत में बेई हुई है? दूसरे ब्यांत की। कितने दिन हो गए जी बेई को? इन्हें हो गए 15-16 दिन। 15-16 दिन हो गए। कटड़ा के कटड़ी नीचे? कटड़ी है जी। कटड़ी है। दूध कितना तैयार है अभी? 13 किलो तैयार है। 13 लीटर तैयार है। और बढ़ जाएगी 1-2 लीटर? हाँ। रेट इसका जी? 95,000। कितना दाम लग रहा है मंडी में? 75,000 रुपये लग रहा है। आपका मन कितने में छोड़ने का है लास्ट? अपना 85। 85 में? अगर मौके पे ग्राहक आ जाएगा तो और भी मानदान कर दोगे? हो जाएगा। चला के दिखा दो। भाई अपनी दूसरी भैंस की डिटेल भी बता दो, ये कौन से ब्यांत में बेई हुई है? दूसरे ब्यांत की। ये भी बेई हुई है? हाँ जी। कितना दूध तैयार है इसके नीचे? इसके 12 किलो। 12 लीटर अभी तैयार है? हाँ जी। और बढ़ेगी ये? हाँ, बढ़ जाएगी। कितना कर जाएगी? ये कर जाएगी 14 किलो। 95,000 आई। इसका रेट क्या कर रहे हो? इधर 1,10। 1,10,000। इसका कितना दाम लग रहा है मंडी में? इधर लगता है 80,000। 85 में छोड़ दोगे जी? नहीं, 90 में। 90 में चला दो इसको भी। देखियो किसान भाइयों, आप ये पशु मंडी रामपुरा की वीडियो देख रहे हो, जो कि महीने में एक बार लगती है 1 तारीख को। किसी भी भाई ने अगर मुर्रा भैंस खरीदनी हो, डेयरी के लिए खरीदनी हो, घर के लिए खरीदनी हो, तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नंबर है उस पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो जानकारी ले सकते हो। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनको निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए पंजाब की हर एक पशु मंडी की वीडियो शेयर करते रहते हैं, आपको पशुओं के ताज़ा रेट के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये पशु मंडी रामपुरा मंडी है, जो महीने में एक बार लगती है और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे मुर्रा नस्ल की भैंसें बिकने के लिए आती है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कम से कम 6-7 हज़ार भैंस इस मंडी में बिकने के लिए आती है। किसी भी भाई ने अगर भैंस खरीदनी हो तो इस मंडी में आकर भैंस जरूर खरीदें।